गाइस, सुबह के 7:30 हो गए हैं और मैं अभी उठ के थोड़ा बाजार जा रहा था किसी को छोड़ने। और बाहर का मौसम इतना खतरनाक हो रखा है कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे। और मुझे अभी यहाँ से जाना है जस्ट उनको छोड़ के। और मेरी गाड़ी हो रही है गर्म थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी में कुछ नहीं होता। और थोड़ा समय पहले और मैं आप और ये दिन ऐसे खतरनाक हो रहे हैं गाड़ी चलाना। तो कैमरे में तो बिल्कुल थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन गाड़ी से सारा या फिर कुछ नहीं दिखाई देता है, सारा का सारा गोरा को। और मुझे कुछ नहीं देख रहा है, इतनी खतरनाक रोड पे। अभी चलते हैं वापस घर पे। और हमारे नितिन भाई ने चाय बनाई है, चाय ये देखिए, बिस्तर से उठे नहीं और चाय बना दी। लगता है आपको इन्होंने चाय बनाई होगी। नहीं नहीं सच में उन्होंने चाय बनाई है। और चाय का आनंद लेते हैं, जरा देखते हैं कैसा है, मीठा है या ओह बढ़िया बना रखी है, बहुत ही बढ़िया। नितिन भाई वो बना दीजिए नाश्ता भी। नाश्ता अभी मुझे निकलना है यार। अरे निकलना निकलना छोड़ो, अभी नाश्ता खाएंगे उसके बाद जाएंगे, ठीक है। और नितिन भाई के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं चाय पीने के बाद। और क्योंकि उनको जाना है देहरादून के लिए आज, और जल्दी से नाश्ता बनाता हूँ अब और फिर मिलता हूँ। और अब जाके मौसम खुल गया है और टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 9 बज गए हैं। और 9 बजे अच्छी खासी धूप आ गई है और हम यहाँ पे लोग यहाँ पे धूप का आनंद ले रहे हैं कितना। और नितिन भाई कैमरे में हाय तो बोल दीजिए, आपके फैन फॉलोइंग बहुत तेज है यहाँ पे। और हम यहाँ पे नितिन भाई को छोड़ने के लिए बाहर तक जाएंगे खाली। और यहाँ पे उनको आई होप कि बस मिल जाए जल्दी से, क्योंकि इनको जाना है देहरादून, किसी को घर के लिए अपना सामान भिजवाना है किसी के पास। तो और हम यहाँ बाहर पर पहुँच चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उनको नितिन भाई को बस मिल जाए जल्दी से। और चलो ठीक है नितिन भाई, तो मैं वापसी के लिए हो गया हूँ भाई को छोड़ के। लिटरली यहाँ पे धूप निकल चुकी है और मैं थोड़ा आनंद लूँगा धूप का। और यहाँ गन्ने जो है ना, गन्ने लेके ट्रैक्टर में रखे जा रहे हैं और यहाँ से गन्ने जाएंगे सीधे फैक्ट्री में और फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूट होके गन्ना फैक्ट्री में जाते हैं। और यहाँ पे कितने सारे गन्ने, प्लीज़ आने दीजिए जाने दीजिए, काफ़ी मात्रा में उपजाऊ होती है और लोगों के दिखाई देंगे। और ये सारे और ये आम के बगीचे। और मैं आपको होगी परंतु ये देखिए, आपको मैं थोड़ा साइड व्यू दिखाता हूँ इसका। और वो है गाइस, ये देखिए ये पूरा नहर का पानी। और मैं आपको अकेला हूँ तो मैं पूरा दिखा नहीं सकता ना, इसलिए मैं आपको एक ही जगह पे खड़े होके दिखा रहा हूँ। और बाकी मैं कैमरे को सेट इस तरह करूँ कि थोड़ा बहुत दिखे। तो ये काफ़ी लंबी नहर है और गहरी भी बहुत है, मुझे तो तैरने नहीं आता इसलिए मैं नहीं कूद सकता इसमें, सॉरी। और मैं ये रिस्क कभी लेता नहीं हूँ। और आपको मैंने अभी इतनी अच्छी व्यू दिखाया और आपको काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगने वाला था, इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसा लगा होगा, बेकार या कैसा। मुझे आपको बस एक अच्छा सा व्यू दिखाना था। और मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने बोला क्यों ना अपने दोस्तों को और ये चीज़ें दिखाऊँ और लोग आएँ और देखें। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी नर्सरी का जायजा। ये देखिए पूरी हमारी